हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं नर्सेज डायरी भारत एडिशन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मास कैजुअलिटी और डिजास्टर को मैनेज करने में यूज होने वाले ट्राई सिस्टम की। ट्राई सिस्टम मास कैजुअलिटी और डिजास्टर में आहत होने वाले विक्टम्स की असेसमेंट, केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन की प्रायोरिटी में मदद करता है। किस विक्टम को अर्जेंट केयर की नीड है और किसको नहीं है, इस सब को अलग अलग कलर कोड को यूज़ करके प्रायोरिटी दी जाती है। स्टार्ट मीन्स सिंपल ट्राइज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट। नाम से ही पता चलता है कि कोई भी डिजास्टर्स और मास कैजुअलिटी में सिंपली ट्राइज करके उसको रैपिड ट्रांसपोर्ट करना है और केयर और असेसमेंट प्रोवाइड करना है। ट्राई सिस्टम के प्रोसेस की बात करें तो उसमें 5 स्टेप्स इंक्लूड है। पहला स्टेप सिंपल ट्राइज, असेसमेंट, केयर और ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने से पहले सभी विक्टिम को कलर कोड के आधार से सिंपली डिवाइड करना है। दूसरा स्टेप असेस पेशेंट्स रिस्पॉन्स एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और रिस्पॉन्स यह एक इमरजेंसी असेसमेंट का पार्ट है। ट्राइज करने के बाद पेशेंट का असेसमेंट करना है ताकि हमें मालूम पड़े कि किस पेशेंट को कितनी अर्जेंट केयर की नीड है। तीसरा ओपन एयरवे, पेशेंट का असेसमेंट करने के बाद उसका एयरवे ओपन करना है। सभी विक्टिम का एयरवे ओपन नहीं करना है, जो पेशेंट अनकॉन्शियस और सेमी कॉन्शियस है उसका एयरवे ओपन करना है। कहीं ऐसा ना हो कि हम फ्रैक्चर वाले पेशेंट का भी एयरवे ओपन करने लगे और बोले हमें क्या, सर ने तो बोला था कि ट्राई सिस्टम में तीसरा स्टेप एयरवे ओपन करना है, तो हमने तो ऐसा कर दिया। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा स्टेप है असेस सर्कुलेशन। कोई भी पेशेंट का सर्कुलेशन कैसे चेक करते हैं बोलिए? जाहिर सी बात है, हम पल्स चेक करके बॉडी के सर्कुलेशन को चेक करते हैं। पांचवा स्टेप है ट्रांसपोर्ट द विक्टम। ट्राई सिस्टम को अलग अलग 4 कलर कोड के हिसाब से डिवाइड किया है। इसमें पहला है रेड, जिसमें इमीडिएट और इमरजेंसी पेशेंट इंक्लूड होते हैं। इस पेशेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। इसमें ऐसे पेशेंट शामिल है जिसको इमरजेंसी केयर और ट्रांसफर के रिक्वायरमेंट हो। इस कलर कोड की कंडीशंस की बात करें तो इसमें लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन सच एज ARDS, कार्डियक अरेस्ट, MI, शॉक, ब्लीडिंग, पॉइजन, RTA, बर्न्स जैसे कई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन शामिल होते हैं। दूसरा कोड है येल्लो, इसमें शामिल सभी पेशेंट को सेकेंड प्रायोरिटी दी जाती है। इसमें सीरियस पेशेंट शामिल है जिसे 1 या 2 घंटे में सारवार देना आवश्यक है। इस कलर कोड की कंडीशन में फ्रैक्चर, सीजर, फॉल डाउन, डिसिप्निया, ट्रोमा वगैरह जैसी कंडीशन शामिल होती है। तीसरा कोड है ग्रीन, जिसमें सभी नॉन अर्जेंट कंडीशन वाले पेशेंट शामिल होते हैं। ऐसे पेशेंट को कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें कोई अर्जेंसी नहीं होती है। इस कंडीशन में माइनर इंजरी और इलनेस, कफिंग, कंजेशन, स्प्रेन, UTI, एलर्जिक रिएक्शन, वुंड, सम और माइल्ड डिहाइड्रेशन वगैरह जैसे पेशेंट शामिल होते हैं। फोर्थ कैटेगरी है ब्लैक कलर, इसमें सभी डेथ विक्टिम्स शामिल होते हैं। इसमें कोई भी ट्रांसफ़र केयर और असेसमेंट की कोई नीड नहीं होती। तो आज हमने पढ़ा ट्राई सिस्टम के प्रोसेसिंग स्टेप्स और वेरियस कलर कोडेड कैटेगरीज के बारे में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करो आपके अपने चैनल नर्सेज डायरी भारत एडिशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।